व्यक्ति की मौत पर मेडिकल दुकान को प्रशासन ने किया था सील। मेडिकल संचालक के रिश्तेदार द्वारा न्यूज लगाने पर पत्रकारों को दी गई धमकी। कुसमी थाना क्षेत्र के शिव चौक स्थित शिव महिमा मेडिकल स्टोर को प्रशासन ने हाल ही में सील कर दिया। जब एक व्यक्ति की मौत दवा के दुष्प्रभाव के कारण हो गई, प्रशासन ने तुरंत कार्यवाही करते हुए दुकान को बंद करा दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। इसी बीच मेडिकल स्टोर के संचालक नितेश तिवारी के रिश्तेदार ने मीडिया को धमकाया और पत्रकारों को झूठे आरोपों में फंसाने की धमकी दी। नितेश तिवारी के रिश्तेदार हिमांशु दुबे ने 26 जुलाई 2024 को एक पत्रकार को फोन कर धमकाया और कहा कि वे मानहानि के आरोप में उनके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। इस धमकी के बाद कुसमी के सभी पत्रकार एकजुट होकर कुसमी थाने में आवेदन देकर उचित कार्यवाही की मांग करने लगे। पत्रकारों ने अपने आवेदन की प्रतिलिपि माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, क्षेत्रीय विधायक, पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को भी भेजी। सभी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित और निष्पक्ष जांच की अपील की है। खबर देखिए जिला बलरामपुर से सैफ अली के साथ। श्री महिमा मेडिकल स्टोर संचालक के द्वारा धमकी के संबंध में पत्रकारों द्वारा जो आवेदन दिया गया है उसमें जांच की जाएगी और जांच के उपरांत जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पे जो कार्रवाई बनता है वो की जाएगी।